नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ में कि भाई इंडिया में, गल्फ देशों में, ठीक है आप गल्फ देशों में रहते हैं, उनका गुणगान भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन रियल स्थिति क्या है उससे आपको वाकिफ करवाना जरूरी है ताकि आपको सबक मिले, सावधानी बरते। जी हाँ, एक एक महिला को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में 45 साल की सजा मिली है। अब ये सोचने का विषय आपके लिए। और दूसरे में बात करेंगे सऊदी अरबिया में महिलाओं की इज्जत, उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से दुबई जो सऊदी की पुलिस है, जो गार्ड है, एक महिला को किस तरह से बाल पकड़ के मारपीट रहे हैं, उसकी गलती क्या थी, इस पे हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा साथियों, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि बता दूं ये एक अनाथ आश्रम, इंडिया में अनाथ आश्रम देखने को हर जगह अनाथ आश्रम मिलता है। ये लड़कियां वो हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, सरकार द्वारा इनको यहाँ पर रखा जाता है। इसमें देख सकते हैं गार्ड किस तरीके से बेहरमी के साथ में एक लड़की को, एक आदमी, वैसे तो बोलते हैं सऊदी में किसी औरत की तरफ आंख उठाना भी मना है या फिर उनको उनकी तरफ देखना सऊदी अरब में अनाथ लड़कियों के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जितने भी अरबी लोग हैं वो लोकल महिला वहाँ की, उनका किस तरह से मारपीट रहे हैं, ये सच्चाई है। वीडियो में कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स लड़कियों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफिसर्स ने लड़कियों के साथ मारपीट क्यों की, इसकी वजह साफ नहीं है। उनका वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पे वो डाला था, इस तरह से कुछ। हालांकि कुछ लोग आवाज उठाने के लिए देखते हैं अनाथालय की लड़कियां करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। मामला सामने आने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सलमान है उनके पास भी नहीं पहुंचे, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि देखिए सऊदी में महिलाओं पर ये घटनाएं बढ़ रही हैं, सऊदी सरकार में ये सच्चाई, जब से प्रिंस आया है सलमान प्रिंस तब से लेके अब तक महिलाओं के खिलाफ में एक्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक महिला को अपने मन की बात रखने के लिए मानवाधिकार के जो कानून उनसे रिलेटेड बात करने के लिए महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 34 साल की महिला जो अपने आप को डेंटल डॉक्टर बताती है, जो स्कूल में लेक्चरर भी है अभी के टाइम में, वो अपने मानवाधिकार, अपने अधिकार होते हैं, उनके पक्ष में उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी थी। पोस्ट के बदले उसको 45 साल की सजा सुना दी गई, साथ में सजा पूरी होने के बाद उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी हाँ, ये है सऊदी में पोल खोलती ये सच्चाई है। इस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, निकल निकल के आ रही है कि महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं सऊदी अरबिया में, उनको सिर्फ और सिर्फ जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप यकीन मानो दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, सऊदी, कुवैत, गल्फ देशों में इसीलिए भैया कानून है। कानून का मतलब क्या होता है कि वहां राजाशाही शासन है, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकते, बोलने के साथ में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के जुर्म में 45 साल की सजा। अब आप समझ सकते हैं यार कि पोस्ट डालने के जुर्म में 45 साल की सजा सुनाई है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके साथ अगर आप भी गलती से ऐसी कोई घटना कर देते हैं तो भाई आपका क्या होगा, हमें को नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये सच्चाई है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये जो पोस्ट डाली थी वो आतंकवाद रोधी थी, साइबर क्राइम से रिलेटेड थी, तो इनको सजा सुना दी गई। भाई पोस्ट में इतना भयंकर क्या लिख दिया उनको कि 45 साल की सजा सुना दी गई। आप सोचो कि 32 साल की महिला है, 45 साल यानी 72-73 साल की महिला, वो तो जेल में मर जाएगी फिर, सोचने की। तो ये है सऊदी में रियल, जो भाई गल्फ देशों में रहते हैं ना उनको इसी तरह से जीना पड़ता है। आपके मन में 1000 विचार हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, अगर आपने बोल दिया, सोशल मीडिया पे लिख दिया, तो सरकार आपको, पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। और ये रियल फैक्ट बताता हूँ कि सभी गल्फ देशों में जितने भी राजा महाराजा हैं और जो शासन कर रहे हैं, उनके जितने भी विरोधी हैं, उनके खिलाफ में किसी ने कभी बोला, वो सब के सब लोग जेल में पड़े हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं कहीं पर भी कोई न्यूज आती है ऐसी अखबार में, कहीं पर भी, कि सरकार के प्रजातंत्र में और राजाशाही शासन में ये फर्क होता है। इंडिया में आप खुल के बोल सकते हैं, लोग मोदी को रोज गाली देते हैं, वहां तो एक शब्द निकाल के देख लो भैया, इतनी ये सजा हो सकती है। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।